क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था, परंतु कैसे, पहले यहाँ पर किसका शासन था इत्यादि को आइए इस वीडियो के माध्यम में जानते हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला 22वां राज्य है। हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला में का एक हिस्सा है। यहाँ देश का पूर्वतन भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। दक्षिण पूर्व में भूटान से पश्चिम में नेपाल और चीन के उपसमतलीय क्षेत्र में उत्तर पूर्व हिस्सों पर स्थित है। यहाँ पर पर्वतकोटा काफ़ी पसंदीदा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर पहाड़, गहरी घाटियाँ है। सिक्किम का सबसे बड़ा शहर और राजधानी गंगटोक है। यहाँ शिवालिका की पहाड़ियों पर 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजुंगा को भी गंगटोक से देखा जा सकता है। सिक्किम में पहले विकसित शासन था। इतिहास देखा जाए तो सिक्किम का राजनीतिक अतीत है। कई महत्वपूर्ण घटना हुई है जो आदिवासी शासकों को ब्रिटिश सत्ता और इस राज्य के भारत में शामिल होने से महत्वपूर्ण है। जब तक लेपाचौ 17वीं शताब्दी ने सिक्किम में सत्ता हासिल नहीं की थी, तब तक इस राज्य में मोन आयोग और आंच का शासन था। यहाँ पर सबसे प्रमुख साम्राज्य चोग्याल का था। 1990 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोपोगेस्ट ईस्ट बना। प्रोपोगेस्ट ईस्ट मतलब कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेज के हाथ में चली गई। बदला में अंग्रेज को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिला। ये अंग्रेजी की उस नीति का भाग था जिसमें चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच दोबारा राज्यों का टकरावों से बचने के लिए बीच से स्थापित छोटे देश की स्थापन की गई, जिसमें शामिल थे नेपाल, भूटान और सिक्किम। सिक्किम को ब्रिटेन से भारत की आज़ादी से पहले ही स्वतंत्रता मिली हुई थी। सिक्किम में राजतंत्र था और वहां के राजा चोग्याल का शासन था। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम भी संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा सखा और विदेश मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आज़ादी बरकरार रखी गई। यानी कि सिक्किम का सरखाना भारत के हाथ में 1947 के बाद आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और सचार जैसे ज़रूरतों को पूरा करना था। 1953 में योगदल का शासन में मदद करने के लिए एक स्टेट काउंसिल बनाई गई थी, जो 1973 तक अपना काम करती रही। यही आपको बता दें कि स्टेट काउंसिल वहाँ की जनता खुद चुनती थी, यानी ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। भारत में सिक्किम राज्य का विलय भारत और सिक्किम में बीच हस्तांतरित संधि ने सिक्किम की स्थिति को योगदान के साथ राजा के रूप में सुरक्षित किया था। 1963 में तासी नामग्याल की मृत्यु हो गई और उनके बेटे अंडे योटुन नामक उनके उत्तराधिकारी बने। 1970 की शुरुआत तक राज्य में राजनीतिक उथल पुथल चलती रही, जिसके कारण राजनीतियों के हटाने और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की मांग बना जाती करने लगी थी। अंत में 1973 में सिक्किम दरबार के
खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन शुरू हो गया और इस प्रकार वहां पर प्रशासन का पूर्ण रूप से पतन हुआ। आइए देखते हैं कैसे पतन हुआ। भारत सरकार ने मुख्य प्रशासन श्री बीएस दास की नियुक्ति करते हुए राज्य में समन्वयता लाने की कोशिश की। आगे काफ़ी घटनाओं और चुनावों के कारण सिक्किम एक सुरक्षित से एक सहयोगी राज्य में परिवर्तन हो गया। सितंबर 1947 को सिक्किम कांग्रेस नेता काजी लेडू दोर्जी को राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित किया। योगियाल हालांकि अभी भी संबोधित सम्मुख राज्य के रूप से बने रहे। श्री बी ई लाल सिक्किम के पहले गर्भस्थान थे। योगियाल और सरकार के बीच टकराव की और अग्रसर घटनाओं देने के सिक्किम को 16 मई 1975 को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य बनाने का कारण बना। योगलाल संस्थान को बाद में समाप्त कर दिया गया। यानी आपको बता दें कि 1975 में सिक्किम की स्थिति को बदलाव के लिए काजी लंडियू दोर्जी ने सिक्किम को भारत में शामिल करने की सिफारिश की थी। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा संविधान विधायक को पेश किया गया जिसे 299 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यहां बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अलीअहमद ने इस बिल पर दस्तखत की थी। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना दिया गया। सिक्किम भारत का अंग बनने के साथ नामकुलाई राजस्व का शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया और 1982 में गल की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। गलियू तोड़जी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। साथ ही आपको बता दें कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन से स्वराज्य के रूप से भारत का भाग बनाया गया और 36वीं संविधान से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आखिर भारत और चीन के बीच सिक्किम राज्य को लेकर क्या विवाद है? क्या आप जानते हैं सिक्किम भारत और चीन के बीच 3700 किलोमीटर लंबी सीमा रखा है। 1962 में सीमा विवाद के लेकर ही दोनों देश युद्ध भी लड़ चुके हैं, मगर आज भी सीमा को लेकर दोनों देश में देखा जाए तो तनाव जारी है। ये जो सीमा विवाद है वो भारत भूटान और चीन सीमा के मिलन जुड़ा हुआ है। सिक्किम में भारतीय सीमा से पठार है जहां पर चीन का सड़क निर्माण करने हैं। इडोकलम सीमा का कुछ हिस्सा भूटान में भी पड़ता है। तो अब आपको हो गया कि किस प्रकार सिक्किम भारत का हिस्सा बना था। मेरा वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब पहले से किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।